नमस्कार साथियों, मैं हूं अनराम श्राव। आप लोगों को इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपके लिए आज इकोनॉमी की क्लास शुरू करने वाला हूं, जो कि लगभग करीब 60 से 70 वीडियो इकोनॉमी के बनने वाले हैं, जो कि आपका पूरा जो कोर्स है इकोनॉमी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उससे, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, आज एक नोटबुक ले लेना और एक पेन ले लेना और उससे क्या करना शुरू कर देना, आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक नोट्स तैयार करना शुरू कर देना है। उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम में आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे, ठीक है। बिल्कुल साधारण तरीका होगा, बिल्कुल किताबी इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसको लोग इकोनॉमी बन के पढ़ने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमी की तरह उसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझें, इकोनॉमी की तरह उसे न पढ़ें, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए बिल्कुल साधारण भाषा में हम इसको समझेंगे। और शुरू करने से पहले हल्का सा बता दूं कि मेरा जो चैनल था वो हैक कर लिया गया था, ये सारे वीडियो मैं उस पर डाल चुका था, लेकिन मुझे दोबारा से बनाने पड़ रहे हैं वीडियो, इसलिए मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने डाल रखे थे वीडियो तो इसलिए मुझे डालने पड़ेंगे। तो चलिए फिर हम नेक नज़र डाल लेते हैं कि इस वीडियो में यानी कि इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर वन में यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर वन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें जो बात करेंगे वो होगा अर्थशास्त्र, ध्यान रहे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था नहीं बोल रहा हूँ, अर्थशास्त्र में इसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ना कि इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम देख लेते हैं हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक होगा, फिर हम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। इसमें जो हम बात करेंगे वो होगा अर्थशास्त्र के बारे में यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हम हल्की सी चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, और उसके बाद हम इसमें जो चर्चा करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इससे जुड़े हुए सारे तथ्यों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम क्या कर सकेंगे, हम सॉल्व कर सकेंगे आसानी, क्योंकि शुरुआत करूंगा एकदम साधारण भाषा में, जो कि आपको क्या रहे कन्फ्यूजन न हो और आप क्या कर सकें इकोनॉमी से जुड़ सकें, उससे कनेक्ट हो सकें। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं आपका ये वीडियो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मनुष्य होता है या कहें इस दुनिया में जो इंसान है वो अपने जीवन काल में क्या क्या करता है, बहुत सारी गतिविधियां करता है, यानी कि बहुत सारी उसके दिनचर्या होती है, अपने जीवन चक्र में कई सारी गतिविधियां करता है, उससे पेट भी पेट पूजा भी करता है, पूजा भी करने जाता है, मंदिर में पूजा भी करने जाता है, अपनी पड़ोस में बीवी के साले हैं, नहीं बीवी के नहीं पति के साले हैं, तो बीवी का जहाँ तक अंदाज़ है वो भाई होगा, उसको कोई परेशानी तो उसकी सेवा करता है, फिर उसके बाद बीवी बच्चों की सेवा करता है, इस तरह की जितनी भी सारी गतिविधियाँ होती हैं वो जो करता है कोई भी मनुष्य या कोई भी इंसान या कोई भी मानव, तो उस गतिविधियों के आधार पर हम इकोनॉमी की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ कि कोई भी मनुष्य कोई भी इंसान अपने जीवन काल में कई तरह की गतिविधियां करता है, और इन गतिविधियों को या इन क्रियाओं को हम दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहली जो गतिविधि है उसको हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि, ठीक है। सबसे पहली जो गतिविधि है उसको हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधियां कौन सी होती हैं, वे गतिविधियां या इसके तहत यानी कि आर्थिक गतिविधियों के तहत वे क्रियाएं आती हैं जिनसे किसी को भी धन की प्राप्ति होती है, या कहें जिससे हमें पैसा मिलता है, जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आपको पैसा मिलता है मंथली, किसी हॉस्पिटल में आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, आप किसी पंक्चर की दुकान पर काम करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, यानी कि मजदूरी की तरह वहाँ पे मजदूरी के रूप में आपको पैसा मिलता है, कहीं पर भी आप घर बन रहा है तो वहाँ पर आप जाकर ईंट पत्थर उठवा रहे हैं
तो आपको पैसा मिल रहा है, यानी कि आप शिक्षक शिक्षक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मजदूर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप सिंगर हैं, आप व्यापारी हैं, आप कोई भी काम करते हैं जिससे आपको पैसा मिलता है, तो आप इस वो किस में रखी जाएंगी, वो आर्थिक गतिविधियों में आपकी गति आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। दूसरी जो क्रियाएं हैं उनको हम कहते हैं अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनसे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती, जैसे कि मैं सुबह उठा और उठने के बाद मैंने अपनी जो दिनचर्या है वो शुरुआत की, और मैंने अपना नहाया धोया, मुँह भी पहले मतलब फ्रेश होने गया, उसके बाद नहाया धोया, सारे काम करने के बाद ईश्वर को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए पूजा करने पहुंचा, तो वो मेरी कहलाई धार्मिक क्रिया। मैंने काम तो कर रहा हूँ ना, मैं काम कर रहा हूँ, नहाया धोया उसके बाद वहाँ पहुँचा, ये मेरी धार्मिक क्रिया हो गई। उसके बाद सामाजिक क्रिया हो गई, जैसे कि मेरी मम्मी हैं उनके लिए कोई काम करना है, या पड़ोस में कोई अंकल हैं, या फिर कहीं पर कोई और कार्य है वो मैं उसको संपन्न करवाता हूँ, तो वो मेरी एक सामाजिक क्रिया हो गई। उसके बाद मैं बहुत ही खुश दिल इंसान हूँ और मुझ में जोश कुछ ज़्यादा है, और कुछ ज़्यादा ही है मैं जानता हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं नेता बनना चाहता हूँ, और नेता बनने के लिए आपको नेताओं का चमचा भी बनना पड़ता है, तो उसको क्या है, मैं नेताजी की सेवा में लगाऊँ, हाथ जोड़ के जाता हूँ, नेताजी कोई काम हो मेरे लिए तो बताएं। तो नेताजी ने कहा ऐसा करना, हमारा प्रचार होना है तो जाना, और वहाँ पर क्या करना, लेकिन हम उनका प्रचार करते हैं, नेताजी का क्यों कर रहे हैं, उनसे हमने पैसा नहीं लिया, क्योंकि हमें उनके लिए काम करना, हम उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी एक राजनीतिक क्रिया, और भी बहुत सारी हो सकती हैं राजनीतिक क्रिया, उसमें हमें पैसा नहीं मिला, तो ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। फिर से मैं बोल दूँ कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य मानव या जो भी हैं वो जो भी क्रियाएँ करते हैं वो दो प्रकार दो भागों में बांट सकते हैं, पहली क्रिया जो है जिसमें धन की प्राप्ति होती है, दूसरी क्रिया जो है जिसमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, और इन दोनों क्रियाओं के आधार पर मैं इकोनॉमी की शुरुआत करूंगा, और इन्हीं को ही उठक पटक करते हुए पूरा का पूरा इकोनॉमी में आपको ट्रांसफर कर दूंगा एकदम साधारण भाषा में, ठीक है। तो मैं फिर से बोल दूं, इन्हीं क्रियाओं के आधार पर इस सब्जेक्ट यानी कि इंडियन इकोनॉमी की मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसके लिए क्या करना जरूरी है, एक साधारण सा ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग साधारण सा जब ज्ञान ले लेंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर जानेंगे, यानी कि दोनों में फर्क पहचानेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है। तो चलिए फिर साधारण ज्ञान हमारा वाला आपको मैं पेल दे रहा हूँ साधारण ज्ञान, और आप इस साधारण ज्ञान को ले लें। देखो मेरा जो एक तरीका है वो किसी न किसी भाई को, किसी न किसी बहन को, किसी न किसी मेरे न चाहने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, तरीका मेरा कुछ भी हो, आपको मैं माल जो है वो एकदम टनाटन और एकदम फ्रेश दे रहा हूँ, किसी भी दुकान पर किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस के साथ ही दिया है, मैंने पहले तजुर्बा लिया है अपने जीवन का, मैंने भी यूट्यूब से तैयारी की कभी बहुत सालों पहले, तो मैंने देखा कि कुछ लोग वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, मैं वो दे रहा हूँ लोग चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपने अंदर फील किया तब मैंने आप लोगों को दिया, क्योंकि मैंने देखा कि आप कहीं पर किसी चैनल पर उम्मीद लगाते हैं कि सर हमारे जो हैं, सर हमारे जान से प्यारे, मैं हमेशा कहता हूँ मैं किसी का भी सर नहीं हूँ, मुझे टीचर न माने, मैं मुझे एक भाई की तरह मानकर अपना काम निकाल लें, उसके बाद भूल जाएं, क्योंकि टीचर जब रहूँगा, जब मैं आपको वीडियो बनाने का पैसा लेने लगूँगा, तो उस दिन से मैं टीचर कहलाने लगूँगा, अभी मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर हूँ जिस जगह से मैं सैलरी लेता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पर मैं टीचर कहलाता हूँ, आप लोगों के लिए छोटा या बड़ा जो भी मान सकते हैं भाई ही रहूंगा, जब तक कि मैं किसी वीडियो के लिए कोई पैसा पेड नहीं करता हूँ कोई वीडियो। अब रहा बात पीडीएफ का, तो वो पीडीएफ नहीं है, वो मैंने अपनी उसमें जान डाल दी है पीडीएफ में, समझ रहे ना, उसको डाल दिया है, तब मैंने वो उसको बनाया है, वो मैंने आपको चीज़ दी है, वो इतनी खतरनाक है कि आप उस पीडीएफ से नोट्स बना लेंगे ना, तो मैं चाहो इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अंदर आपके अंदर जो जोश आएगा ना, अब मैं कहता हूँ जोश के साथ वो फील होगा कि लगेगा कि हाँ हमने कुछ लिया है, समझ रहे ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। मैं आपको अर्थ के बारे में बताऊं, अर्थ मतलब होता है पैसा, मनी, धन या पूंजी, तो अर्थ जहां पर भी आता है उसका मतलब ये होता है कि अर्थ संबंधी। तो जैसे कि जब मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा,
हिंदी में भी मैं काफ़ी ज्ञान पेल लेता हूँ। जब मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा कि जो जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको पढ़ाऊँगा मैं प्रत्यय, प्रत्यय पढ़ाऊँगा। तो प्रत्यय जो होता है, एक प्रत्यय होता है, एक एक होता है ना, ऐसे करके मैं आपको दिखाऊँ, एक होता है एक। जब हिंदी पढ़ाऊँगा ना तो एक होता है एक, तो जो एक होता है प्रत्यय, एक का मतलब होता है संबंधी। तो धर्म जो होता है ना, धर्म में एक लगाएंगे तो धार्मिक बन जाता है। तो क्या बन जाता है? धार्मिक, धर्म से संबंधित। समाज प्लस एक कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा? सामाजिक, समाज से संबंधित। राजनीति प्लस एक लगाएंगे तो राजनैतिक बन जाएगा, तो उसको कहलाएंगे राजनीति से संबंधित। इसी तरह से अर्थशास्त्र जो होता है, आर्थिक, आर्थिक क्या मतलब है? आर्थिक यानी अर्थ प्लस एक, तो आर्थिक का मतलब अपने आप ही समझ में आ जाएगा, अर्थ से संबंधित यानी कि पैसे से संबंधित या पूंजी से संबंधित। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो चलिए, क्योंकि मैं आर्थिक काफ़ी इसमें इस्तेमाल होगा, आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक ये आर्थिक वो, तो आर्थिक के बारे में मैं आपको समझा दिया कि आर्थिक का मतलब होगा अर्थ से संबंधित, अर्थ मतलब पैसे से संबंधित। चलिए तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की एक साधारण सी परिभाषा देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में मनुष्य जो होता है, आर्थिक गतिविधियों यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या किया जाता है अर्थशास्त्र में? अध्ययन किया जाता है। यानी कि मैं एक मनुष्य हूँ, एक मानव हूँ, एक इंसान हूँ, मैं अपनी जो भी आर्थिक गतिविधियाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी होती हैं, जिनसे हमें धर्म की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक गतिविधियाँ जो कर रहा हूँ उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, एक ही नहीं, सभी के आर्थिक गतिविधियाँ क्या कहलाता है? आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अब ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या होती है, मैंने भी बताया था कि किसी भी मनुष्य द्वारा की जाने वाली ऐसी सारी क्रियाएं या गतिविधियां जिनसे आर्थिक लाभ या हानि हो। यानी कि आप कहीं पर भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि उसमें लाभ ही हो। अब आप कहें कि किसी क्षेत्र में आप मजदूरी करने गए, आप नहीं कर रहे, आप तो बहुत पैसे वाले होंगे मुझे उम्मीद है, मैं मजदूरी करने, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं जाता मजदूरी करने, बुरा लग जाता है। मैंने कई बार कमेंट में देखा कुछ लोग अपनी तारीफ करके कुछ गालियाँ वगैरह देते हैं अपनी माँ बहन के बारे में, तो कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और ऐसे लोगों को मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, मुझे ये भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब किसी व्यक्ति को आर्थिक लाभ या हानि जैसे उसमें तत्व मौजूद हों तो इन गतिविधियों को हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मैं किसी क्षेत्र में मजदूरी करने गया तो मैं मजदूरी मतलब एक आर्थिक गतिविधि, शाम को मुझे वहां से 150 या 200 रुपए प्राप्त होते या मिलते, लेकिन क्या हुआ, मैं थोड़ा मनचला प्रकृति का हूँ यानी कि मैं एक हरामखोर प्रकृति का हूँ, तो पड़ोस में एक आंटी जा रही थी, उन पर मैंने क्या कर दी, कमेंट कर दी। जब मैंने उन पर कमेंट कर दी तो मेरा शाम का समय था और मुझे मिलने वाली थी सैलरी, तो सैलरी जो मिलने वाली थी 100 से 150 रुपए, वो हमें नहीं मिली, और हमें उन आंटी पर कमेंट करने के या उन्हें आंख मारने के एवज में हमें पिटाई भी मिली। तो हमें वहां पर क्या हुआ, लाभ न होकर क्या हो गया, हानि हो गई। अब हमने कोई दूसरी आर्थिक गतिविधि की, कोई बिजनेस करने की कोशिश की, तो हमें वहां पर लगाया, तो हमने ये उस उद्देश्य से लगाया कि वहां से हमें लाभ होगा, कभी लाभ हुआ तो कभी हानि हो गई। तो इस तरह के जो तत्व होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं उसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति धन या पूंजी कमाने के लिए अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं, उसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। जैसे कि मजदूरी करना हो गया, रोजगार प्राप्त करना कोई सा भी हो सकता है, आपका डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शिक्षक हो गया, व्यापारी हो गया, यूट्यूबर हो गया, और भी बहुत सारे जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आर्थिक गतिविधियों में जुड़े हुए व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आर्थिक का मतलब क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा या फिर रुपया, जो भी आपको अच्छा लगे, आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो अर्थ का मतलब क्या होता है, धन या पैसा या रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आर्थिक का मतलब क्या हुआ, धन से संबंधी, पैसे से संबंधी या रुपया से संबंधी।
ठीक है, समझ में आ गया ना? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब मैं आप लोगों को हिंदी के बारे में पढ़ाऊंगा तब वहां पर आता है प्रत्यय। तो एक एक प्रत्यय होता है जो लगने के बाद बाद में लगता है ना, उपसर्ग पहले और प्रत्यय क्या होता है बाद में। तो जब लगता है तो क्या हो जाता है, वो एक से क्या बन जाता है, आर्थ एक बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। तो इस तरह से किसी भी मनुष्य की सभी आर्थिक गतिविधियों को अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियों को हम किस में अध्ययन करते हैं, हमारी जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसको हम राजनीति शास्त्र में करते हैं, या फिर हम जब हम किसी भी तरह का प्रशासनिक गतिविधियों के जो मनुष्य की प्रशासनिक गतिविधियों का जो अध्ययन करते हैं वो हम किस में करते हैं, हाँ उसको हम प्रशासन में अध्ययन करते हैं, लोक प्रशासन में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद समाज से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो वो हम किस में करते हैं, समाज शास्त्र में करते हैं। किसकी, मनुष्यों के, क्योंकि जानवर न तो सामाजिक होता है, ना ही वो राजनीतिक होता है, और ना ही वो प्रशासन चलाता है। कौन, जानवर, मनुष्यों के बारे में होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अर्थशास्त्र के जनक जो हैं, या पापा जो हैं, या फादर ऑफ इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स जो है, उनको हम एडम स्मिथ कहते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी है, काफी है। चलिए हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थशास्त्र जो है उसकी दो शाखाएं होती हैं, एक है आपकी व्यष्टि और दूसरी है समष्टि। व्यष्टि को बिल्कुल साधारण रूप से अगर समझें तो व्यष्टि होता है किसी एक व्यक्ति से, या किसी एक परिवार से, या किसी एक छोटे मोटे उद्योग से, यानी कि एकल होता है, छोटे स्तर पर हम इसके बारे में बात करते हैं। जबकि समष्टि की अगर बात की जाए तो सारी आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं किसी एक राज्य में, बड़े स्तर की, किसी राज्य में, किसी देश में, या फिर किसी बड़े शहर की, मिलाकर क्या होती है, वो आपकी समष्टि में आ जाती है। तो मैं फिर से बोल दूँ, मान लीजिए मैं हूँ किसी शहर में, मैनपुरी जैसे मान लीजिए एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर रहता हूँ। तो मेरे बारे में अगर, मैनपुरी शहर के बारे में अगर बात होती है, और सिर्फ मेरे बारे में बात होती है कि अनुराग कितना रुपया कमाता है, मान लीजिए 5,000 रुपये कमाता है, ठीक है, तो अनुराग की ये आय हो गई। अनुराग कहीं काम करता है तो कितना उत्पादन करता है, तो करीब अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में करता हूँ तो करीब महीने पे ये 50 गिलास बना पाता है फैक्ट्री में, मतलब गिलास की फैक्ट्री में है तो 50 गिलास बना पाता है। अच्छा ठीक है, तो ये इसका ये उत्पादन क्षमता हो गई, ये इतना उत्पादन करता है और इसकी आय इतनी है, ठीक है कोई बात नहीं। अब इस ये व्यय वगैरह कितना करता है, तो देखा कि ये 5,000 कमाता है, 3,000 रुपये खर्चा कर लेता है, तो ये किसकी हो गई, मेरी हो गई, क्या कहलाया, व्यष्टि। चलिए अनुराग के बारे में नहीं, अनुराग के परिवार के बारे में देखते हैं। परिवार के में कितने सदस्य, मान लीजिए 12 सदस्य हैं, ठीक है, अनुराग के 12 सदस्य कितने लोग कमाते हैं, ऐसे करके करीब 3-4 लोग इनके घर में काम करते हैं तो वो लेके आते हैं, ठीक है, तो कितनी आय हो जाएगी, करीब 20,000 रुपये आय हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना उत्पादन करते हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है, बीएसटी के बारे में, कितने लोग हो रहे हैं, एक छोटा सा परिवार हो रहा है। चलिए ठीक है, अनुराग के बारे में बात हो गई, अरे एक बगल में फैक्ट्री खुली है छोटी सी, करीब 8-10 लोग उसमें काम करते हैं, उनका छोटा सा फर्म है, तो उसके बारे में, वो कितना प्रोडक्शन करता है, मतलब कितना कितना फैक्ट्री जो है कितना कमा लेती है, कि भाई साहब ऐसा है फैक्ट्री जो है वो चड्डी वाली फैक्ट्री है, मतलब अंडरवियर की फैक्ट्री है, तो करीब करीब महीने पे करीब 50-60 अंडरवियर बना लेती है, और कभी ज़्यादा ताकत अगर लगा दें तो जब सीजन होती है अंडरवियर की तो थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, कभी कभी 150 बन जाते हैं, तो कितना उत्पादन करती है, तो 150 अंडरवियर का उत्पादन कर लेती है कभी कभी। ठीक है भैया, मैनपुरी में ऐसी कितनी है, मैनपुरी में करीब 50-60 ऐसे अंडरवियर के फैक्ट्री होंगी। तो ये एक के बारे में हो रही है, कितने के बारे में, किसके, किसी एक छोटे शहर के, ठीक है, तो एक के बारे में हुई। अब भाई साहब ये जो अंडरवियर बनाने में कितना खर्चा करती है, तो भाई साहब इसका खर्चा करीब करीब 200 रुपये आता होगा, ठीक है, तो खर्चा कितना हो गया, इतना 200 रुपये। अच्छा तो अच्छा ये अब इसकी आय कितनी हो जाती है, कि अंडरवियर बना तो लेती है 150, उसमें से करीब 100 बेच पाती है, ये समझ रहे हैं बात को, मेरा आय, मेरा व्यक्तिगत आय हो गया, या मेरे एक परिवार की व्यक्तिगत आय हो गई, या फिर क्यों, मेरे परिवार का है ना तो मेरे परिवार तक ही सीमित रहेगी ना, उसके बाद कोई छोटा सा फर्म है, तो ये व्यक्तिगत या फिर छोटे स्तर की अर्थव्यवस्था होती है जिसको हम व्यष्टि अर्थव्यवस्था, वो सॉरी अर्थशास्त्र कहते हैं। वहीं समष्टि की अगर बात की जाए तो समष्टि में क्या आता है, समष्टि में बड़े स्तर की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ली जाती है। जैसे कि मैं हूँ मैनपुरी शहर में रहता हूँ, वहाँ पर मेरे जैसे हजारों लाखों परिवार होंगे, सभी की किस
कि मिलाकर जो भी इनकम करते हैं, जितने भी कमाई करते हैं, जितना भी जो भी करते हैं, तो उनकी सभी को मिला के यानी पूरे शहर में जितने लोग रहते हैं उन सभी को मिलाकर क्या कहलाएगा, उन सभी की जो आय होगी वो उस शहर की आय, या फिर जो भी शहर है उस राज्य में जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों की जो इनकम है वो उस राज्य की इनकम कहलाएगी। या फिर मान लीजिए भारत देश है, उसमें जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के जितने लोग हैं वो जितनी भी कमाई करते हैं वो उनके पूरे राष्ट्र की इनकम कहलाएगी, समझ रहे ना। अब मान लीजिए कि भैया इनकम तो चलो हो गई, भाई कमा तो इतना रहे हैं, इतनी आय है मान लीजिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं उत्पादन कितना करते हैं। तो मान लीजिए मैनपुरी शहर में कोई फैक्ट्री लगी है, तो मैनपुरी शहर में जितनी भी फैक्ट्री हैं अगर एक की बात करें तो क्या है वो व्यक्तिगत व्यष्टि में आएगा, जबकि अगर पूरे शहर की फैक्ट्रियों के बारे में बात करें तो वो आपकी समिष्टि में आएगी। अब पूरे शहर की नहीं, चलो मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य की निकालनी है, तो सारे शहर में जितने भी शहर हैं जितनी भी फैक्ट्री हैं सभी का जितना भी उत्पादन है वो पूरे राज्य का कहलाएगा। अब भैया मुझे राज्य का नहीं देश का निकालना है, अच्छा ठीक है देश का निकालना है, तो ऐसा करते हैं सब देश में कितने राज्य हैं ऐसे ऐसे करके, इतने 5 राज्य हैं, ठीक है मान लीजिए 5 राज्य हैं, तो 5 राज्यों की जितना भी उत्पादन करते हैं वो पूरे राष्ट्रीय का उत्पादन कहलाएगा, उसको ही हम राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। तो क्या समझ में आया, एक एक फर्म या एक व्यक्ति या एक परिवार की अगर बारे में बात करें तो वो व्यष्टि में आएगा, जबकि एक देश एक राज्य एक जिले में जितने भी जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो खर्च से यानी कि एक्सपेंडिचर से संबंधित हो, या फिर इनकम से संबंधित हो यानी कि आय से संबंधित हो, समझ में आ गया। तो आइए मैं बोल दूं, अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं या फिर दो ब्रांच होती हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी कहलाती है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि में जो होता है, व्यष्टि में किसी एक छोटे स्तर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे कि कोई विशेष प्रकार की वस्तु हो गई, कोई दुकान हो गई, कोई उद्योग हो गया, किसी भी व्यक्तिगत आय के बारे में हम कैसे बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब वहीं आते हैं समष्टि में, तो इसमें बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था और उसकी संभावनाएं और उसकी समस्याओं से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं या जो तथ्य होते हैं या जो तत्व होते हैं उनसे उसका अध्ययन ही आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि किसी क्षेत्रीय, जैसे कोई राज्य है या राज्य मान लीजिए, या फिर कोई मान लीजिए गांव है, वहाँ पर जो भी लोग हैं जो भी करते हैं उसके बारे में, तो क्षेत्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति की आय के बारे में या किसी एक व्यक्ति के उत्पादन के बारे में या किसी एक व्यक्ति के क्या खर्चे के बारे में बात नहीं होती, बल्कि एक राष्ट्र या फिर कोई राज्य के उत्पादन या आय या फिर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च के बारे में अध्ययन करते हैं, किसमें समिष्टि में। इसके तहत आप बजट के बारे में बात कर सकते हैं, तो आपका किससे संबंधित होगा, आपका समिष्टि से, क्योंकि भैया जो बजट होता है वो किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके या उसको लक्षित करके नहीं बनाया जाता, बल्कि हजारों और लाखों और करोड़ों लोगों को क्या किया जाता है के आधार पर बजट बनाया जाता है पूरे देश का, ठीक है। पूरे देश का हो सकता है, किसी राज्य का हो सकता है बजट, किसी जिले का बजट हो सकता है, किसी घर का अगर बजट की बात करें, मैं मान लीजिए मैं हूँ 200 रुपये रोज कमाता हूँ, तो 200 रुपये अगर रोज कमाता हूँ तो मैं अपने परिवार के बारे में छोटे स्तर का बजट बना सकता हूँ कि 200 रुपये का बर्थडे कमाता हूँ तो 20 रुपये का आटा, 5 रुपये का चावल या 2 रुपये की सब्जी, ऐसे करके मैं ये हिसाब किताब लगाऊंगा तो महीने पे ऐसे ऐसे करके इतना बजट मेरा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा छोटे स्तर का, तो ये व्यष्टि में आ जाएगा समष्टि की बजट के बारे में राज्य में और पूरे देश में, ठीक है। रोजगार के बारे में बात करें तो रोजगार, मैं अकेला बेरोजगार हूँ तो कोई मतलब नहीं मारा, व्यष्टि में आ जाएगा, जबकि मेरे जैसे कई सारे लोग यानी कुल रोजगार के उत्तर प्रदेश राज्य में कितने बेरोजगार लोग हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितना क्या क्या है कंडीशन, अगर इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि में आएगा वो समिष्टि में आएगा, जैसे कि कुल रोजगार हो गया, कुल राष्ट्रीय आय हो गई या फिर कुल राष्ट्रीय उत्पादन हो गया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो वो आपका समिष्टि अर्थशास्त्र में आ जाता है, ठीक है। तो ये इतना ही जानना काफ़ी है अर्थशास्त्र के लिए। तो साथियों उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप थोड़ा सा सहयोग बनाए रहें, आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, और इतना ही कहना है और कुछ नहीं। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।